हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी सीटेट 2020 की तैयारी। तो स्टूडेंट्स, हमने सीटेट की तैयारी शुरू कर दी है और हमने एक वीडियो अपलोड की थी कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो उसमें आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है और कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करती है, इनमें क्या रिलेशन है और सारा कुछ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये बात की आज हमने स्टडी करनी है। तो अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर चाहिए और आपको ये तैयारी आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल गुरु एडू कॉम के साथ, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर पूछें। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, हमने पहले कल ही ये कर लिया था कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हम करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। तो देखिए, पहला क्या है, ग्रो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये हमने उस वीडियो में भी स्टडी किया था अच्छे से। ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है, वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव। और डेवलपमेंट में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, इसमें कोई एक कंसेप्ट नहीं रहता, तो ये वाइडर टर्म है और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें सिर्फ क्या आता है, मेजरेबल चेंजेस आते हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंड डिफरेंस इनमें क्या आता है, नॉट कॉन्टीन्यूअस। और डेवलपमेंट क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस। तो ग्रोथ कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैच्योरिटी जब अटेन हो जाती है, पर्सन मैच्योरिटी में आ जाता है, तो ग्रोथ है जो वो स्टॉप हो जाती है। जैसे कि उसके क्वांटिटेटिव चेंजेस, जैसे कि हाइट वेट, उसका स्टॉप हो जाता है, उसमें ग्रोथ अब कम्प्लीटली हो चुकी होती है। पर जो डेवलपमेंट है ये कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ये कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड, वहाँ से लेके मैच्योरिटी तक चलती रहती है। पर अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ, यह लाइफ के एंड तक चलती रहती है, टिल द डेथ ये चलती रहती है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि जो सारी चेंजेस इसमें आते हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, एस्थेटिक, वो सारे ही आपकी सारी उम्र साथ में चलते रहते हैं। तो ये डेवलपमेंट वो चलती रहती है, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। और ग्रोथ जो है ये मैच्योरिटी पे स्टॉप हो जाती है, तो ये नॉट कॉन्टीन्यूअस है। उसके बाद आ गया हमारा चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। पर्टिकुलर एस्पेक्ट में चेंजेस कैसे होते हैं, जैसे कि हाइट में चेंजेस हो गए, वेट में चेंजेस हो गए, और इनको हमने मेज़र भी कर लिया कि कितने चेंजेस हुए, इतने इंचेस और इतने फीट हमारी हाइट है और इतने केजी हमारा वेट है। तो चेंजेस इन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सिर्फ एक या दो एस्पेक्ट में आपके चेंजेस हुए। और इधर क्या आ जाता है, डेवलपमेंट में चेंजेस एज ए होल, कि सारे ऑर्गेनिज्म में, पूरी लाइफ में जो भी चेंजेस आए वो डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ये कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल एंड मोटर, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, इमोशनल, ये सारे चेंजेस, और वोकेशनल, ठीक है। तो चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, चेंजेस एज ए होल, इधर सारे चेंजेस आ गए। उसके बाद ये क्या है, होती है क्वांटिटेटिव ग्रोथ, जो है क्वांटिटेटिव है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं। पर ये डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव कैसे हो गई, क्योंकि ग्रोथ इसी का पार्ट है। तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, ये क्या, फिजिकल जो डेवलपमेंट है ये मेजरेबल है, तो इससे ये क्या हो गई आपकी, क्वांटिटेटिव हो गई। पर अगर हम बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। और ये भी किसका कंसेप्ट है, डेवलपमेंट का ही कंसेप्ट है। तो क्वालिटी में क्या आ गया आपका, बाकी सारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट को एक क्वालिटी है ना, ये इमोशनल भी एक क्वालिटी है, एस्थेटिक, मॉरल, ये सब क्वालिटीज़ हैं। तो ये किस में आ जाती हैं, डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जो ग्रोथ है ये सब्जेक्ट ऑफ मेज़रमेंट है, इसको हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, जो ये हमारी ग्रोथ है। तो ग्रोथ क्या है, हमारी सब्जेक्ट ऑफ मेज़रमेंट, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। और अगर हम इधर बात करें सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट, इसको हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, डेवलपमेंट को हम क्या नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ असेस कर सकते हैं किसी पर्सन को। तो ये सब्जेक्ट है असेसमेंट का, जबकि ग्रोथ क्या है, सब्जेक्ट है मेज़रमेंट का।
उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और जिस पे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं सीटेट में, वो है ये वाला कंसेप्ट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये क्या है? डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। तो ये कैसे है हम ये समझते हैं अभी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो हेरिडिटी का कैसे आ गया? हेरिडिटी क्या होती है पहले तो हमने ये समझना है। हेरिडिटी क्या है कि एक बच्चे को जो उसमें क्वालिटीज़ आई, जो उसमें कोई भी कोई चीज़ आई, वो कहाँ से आती है? उनके पेरेंट्स से। वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं कुछ कुछ बातों में। जैसे कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो ये माना जाता है, ये सोचा जाता है कि बच्चे की भी हाइट ज़्यादा होगी। पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, पर ऐसा हो जाता है ज़्यादातर चांसेस में। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं तो ये माना जाता है कि उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होंगे। तो ये कौन सा फैक्टर है हेरिडिटी का, कि जो पेरेंट्स की क्वालिटीज़ हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में आती हैं। ठीक है, अगर पेरेंट्स का कलर या आई कलर या हेयर कलर ब्लैक है, ठीक है, तो जो बच्चे होंगे उनके वो भी ब्लैक हेयर कलर के होंगे। ठीक है, तो हेरिडिटी बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें प्री डिटर्मिंड हम कर लेते हैं उसको। तो हेरिडिटी भी डेवलपमेंट में अपना जो रोल है वो करती है। और दूसरा आ गया एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कैसे डेवलपमेंट में आ गया? देखिए, जिस एनवायरनमेंट में कोई पर्सन रहता है या जिस एनवायरनमेंट में कोई बच्चा रहता है वो भी उसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें फेस कलर के साथ, अगर हम ऐसा देखें तो जो कोल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें वाइट कलर्स के होते होंगे बच्चे भी, और जो थोड़ी हॉट हैं कंट्रीज़ उनमें थोड़ा कलर का डिफरेंस आ जाता है। तो एनवायरनमेंट हमको जैसे फिज़िकली इफ़ेक्ट करता है हमारे कलर को, तो ऐसे ही इंटरनली भी हमें इफ़ेक्ट करता है। अगर हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, अगर हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमारा जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही लैंग्वेज, अगर हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज अच्छी है लोगों की, तो हमारी लैंग्वेज भी अच्छी होगी। अगर मॉरल वैल्यूज़ अच्छी हैं उन लोगों की जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। इस पे डिबेट भी चलती रहती है कि डिवेलपमेंट में कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है, हेरिडिटी या एनवायरनमेंट। पर किसी का भी ज़्यादा रोल नहीं है, दोनों का इक्वल ही रोल रहता है। दोनों ही जुड़ के डिवेलपमेंट में आती हैं। ठीक है, तो आपने ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होकर आ सकता है कि डेवलपमेंट किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, हेरिडिटी पे या एनवायरनमेंट पे या दोनों पर ही या नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही अगर मिल जाएँ तो डेवलपमेंट होती है। इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस जो है डेवलपमेंट में रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये बात आपने बिल्कुल रखनी है, और इस पे एक अलग से भी लेक्चर दिया जाएगा आपको नेचर नर्चर डिबेट के साथ। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इक्वल इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट पे। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, डेवलपमेंट पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सीटेट 2020 से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।